मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे की जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वे थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी को समझ नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी के गड्ढे पर जा पड़ा और मुझे पांव में कुछ गीला होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी, जैसे कि माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तब मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।